गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। पूजा खेड़कर एक ऐसा नाम है जो मैं ये मान के चलता हूं कि भारत में जितने भी लोग अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ को सुनते हैं, उन सभी को इनके बारे में पता होगा। जो कल तक एक आईएएस ऑफिसर थी, उनको ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके पीछे का वजह है कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्जरी करा है। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको चीट किया है, उसको मिसयूज़ करने का कोशिश किया है, और उसके बाद जिस तरीके से ओबीसी नॉन क्रिमिनल रिजर्वेशन मिलता है उसको भी मिसयूज़ किया है। तो लमसम अगर कहा जाए तो मल्टीपल एविडेंसेस जिसको देख के कोई भी ये कह सकता है कि इनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जिसके बारे में क्या है कि ऑलमोस्ट जो मीडिया वाले हैं वो बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के ऊपर मामला दर्ज किया या उनको समन भेजा या उनको सो कॉज जो नोटिस है वो इशू किया। एक बहुत बेसिक सा सवाल है, अगर पूजा खेड़कर अपना टैंट्रम नहीं दिखाती या पूजा खेड़कर किसी भी तरीके से डिमांड नहीं करती तो ये मामला कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। इसका साफ मतलब है कि यूपीएससी के ऊपर जो आज सवाल उठ रहा है, ये सवाल भी यूपीएससी के ऊपर नहीं उठता। बात है कि अगर ये सवाल यूपीएससी के ऊपर नहीं उठता तो क्या यूपीएससी में सब चीज़ सही चल रहा? तो बात है कि अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो जेन्युइनली यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको पता है कि यूपीएससी एक ऐसा बॉडी है जिसमें रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता है, और अगर आपके हमारे जैसे लोग अगर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रवि सिहाग जो आज आईएएस ऑफिसर हैं वो भी अपने ईडब्ल्यूएस का कोटा को मिसयूज़ किए हैं, तो ये बात यूपीएससी को भी पता है। और अगर यूपीएससी को नहीं पता है तो उनको फिर क्यों नहीं पता है? मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने सुना, जिसमें से एक वीडियोस मैंने सुना धनंजय गौतम सर का, जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी या अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेता है तो उसके आंसर की रिलीज़ करते करते उसे 10-11 महीने का वक्त क्यों लगता है। अगर आप ये मानते हो कि क्वेश्चन वन का जो आंसर है वो ए है या बी है, तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स रिवील करने में आपको क्या परेशानी है? बहुत सारे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो छाती पीट पीट कर ये कहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग माफिया बहुत फैल गया है, लेकिन ये सवाल अब अपने आप से पूछिए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप मेंस के जो मॉडल आंसर है उसको आप रिलीज़ किए हैं, उसको आप बताए हैं कि अगर यूपीएससी ये सवाल पूछता है तो एग्जैक्टली यूपीएससी को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? तो ये यूपीएससी ही है जिससे कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये चुपचाप से बैठ जाते हैं जहाँ पर ये बताते हैं कि इनका सिस्टम ही यही है। 2023 का जो क्वेश्चन था या जिस तरीके से प्रीलिम्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, यानी कि पिछले साल, अगर एक बकायदा जो सर्विस में भी आदमी है अगर वो भी बैठ जाए एग्ज़ाम कंडीशन में, और अगर वो सीसैट और अगर वो जीएस पेपर को सॉल्व कर दे तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब सवाल अगर आप यूपीएससी से पूछेंगे तो ऐसा लगता है कि भगवान से सवाल पूछना आसान है लेकिन यूपीएससी से जवाब का एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल भी गलत है। वैसे लोग जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जो अपने आप को काफ़ी एक्सपीरियंस समझते हैं, जिनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इस देश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है, वो किस तरीके से, उनको ये नहीं मालूम कि रवि सिहाग जो आज के डेट में एक आईएएस ऑफिसर हैं वो किस तरीके से ईडब्ल्यूएस का कोटा को मिसयूज़ करते हैं, और ये बात यूपीएससी को क्यों नहीं मालूम, और अगर नहीं मालूम है तो क्यों नहीं मालूम है? उससे भी बड़ी बात, आज के डेट में जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ चुपचाप बैठे हुए हैं, या वैसे लीडर्स जो कल तक भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे, या वैसे लीडर्स जिनका छाती 56 इंच का है, या जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये सभी लोग खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है ये एक एलीट क्लास का नेक्सस है, और आज के डेट में एग्ज़ाम क्लियर करना या सक्सेसफुली पीसीएस या यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम में अपीयर करना कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही, आपका कह सकते हैं कि एक एलीट क्लास का चीज़ बन चुका है, जहाँ पे गलती से अगर कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर पास कर जाए तो पास कर जाए। आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर क्वेश्चन ए का, अगर क्वेश्चन वन का या क्वेश्चन टेन का अगर ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी आप किस सोर्स को रेफ़र करके आप पहुंच रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी को खुद से अपने जो क्वेश्चन होते हैं उसको ड्रॉप करना होता है। तो अगर सपोज़ दैट अगर यूपीएससी किसी भी स्पेसिफिक ईयर में अगर दो क्वेश्चन को ड्रॉप करता है, एग्ज़ाम सिचुएशन में बंदा कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, वो उस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका टाइम वेस्ट होता है, इसके बारे में अकाउंटेबल यूपीएससी क्यों नहीं है? क्यों यूपीएससी से अगर सवाल पूछा जाए तो यूपीएससी सीधे एक प्रेस नोट जारी करके अपने जवाब को दे देता है? आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूजा खेड़कर
एम्स से डॉक्यूमेंट अचीव कर दिए, जिस डॉक्यूमेंट में 6 डॉक्टर्स का साइन है, उनको ज़बरदस्ती के ये बताया गया है कि वो आपके फिज़िकली डिसेबल हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में यूपीएससी का एक बहुत ही बड़ा अकाउंटेबिलिटी बनता है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है। और जिस तरीके से पॉलिटिशियंस चुपचाप बैठे हुए हैं, या एक आम जनता को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपके हमारे साथ खिलवाड़ होता है, और किस तरीके से भारत में चुनाव हर वक्त होता है और चुनाव ख़त्म होते ही रिज़ल्ट आ जाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा स्टेट बताइए जो 5 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है बिना क्वेश्चन पेपर लीक किए हुए। 70 बार क्वेश्चन पेपर लीक होता है ड्यूरिंग द करेंट गवर्नमेंट। अगर 70 बार क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो कौन अकाउंटेबल है? अगर आप अकाउंटेबल नहीं है तो फिर अकाउंटेबल कौन है? और इससे भी बड़ा जो बेवकूफ़ है वो आपके हमारे जैसे लोग हैं, जो आज भी मंदिर मस्जिद और जाति के नाम पर गर्दन काटने और कटवाने को तैयार हैं, और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वो पॉलिटिशियंस है, जो आपको हमको इलेक्शन के आसपास याद दिलाते हैं कि आपकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है। आज के डेट में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कुछ अच्छा कर ले, इसका गुंजाइश बहुत ही कम बचता है। कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जातिवाद के नाम पर लड़ना बंद कीजिए, धर्म के नाम पर लड़ना बंद कीजिए, और वोट डालने के पहले सोचिए कि आप वोट क्यों डाल रहे हैं। एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करवा सकता, ये उस गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो और क्या है? क्यों एक पॉलिटिशियन का बच्चा ही आगे बढ़ता, और क्यों आप और हम बस जिस कैटेगरी में या जहाँ पे पैदा हुए वहीं पे रह जाते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। एज एन लोअर मिडिल क्लास फैमिली आई कैन फील द प्रेशर। जहाँ पर अगर आप रोज़गार ढूंढने जाओ तो रोज़गार नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बुलाया नहीं गया है, या अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है भी तो वो आपको 10-12 हज़ार रुपये का सैलरी देंगे, जिस 10-12 हज़ार में कुछ भी नहीं होने वाला है। आई होप कि मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। इंटेंशन ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करो, इंटेंशन बस ये है कि वोट डालने से पहले आप पूछें कि आप उसको वोट क्यों दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।